लिख गई थी शिषपाल को, तो शिषपाल दो दिन पहले ही बरना बन के मोहत धर के कंकन बांध के आके बैठ गए। रुक्मणी की भाभी ने कही कि लली बरात आएगी दरवाजे पे चलो निकाल ले चढ़वा ले। तब बोली है क्या, अरे भाभी मेरी कांते भैया सगाई, अरे भाभी मेरी कांते भैया सगाई, सोभावी मेरी कांते होती सगाई, सोभावी मेरी कांते भैया सगाई। कौन दे सके बे राजा, कौन दे सके बोले राजा, गायब हो तू नहीं घर बरना बन के आए वे कहां के राजा हैं, का काम होता उनके, वो आई का कह रही काए कु कर रही है हाय हाय दैया, काए कर रही हाय हाय दैया, तेरो पति मेरो है भैया, तेरो पति मेरो है भैया, मेरे भैया शिषपाल। और तीसरी बार मुस्काए के बोली है बालक कल के बाले, आज पांच बालक कल छ बालक पसों तो भौजाई बन जाई। रुक्मणी ने की भगवान जी का मैं बरना है, मैं खबर यूं आए और ब्याह की पूरी तैयारी है गई। उसी समय एक बूढ़े से ब्राह्मण बगल में झोली टांग के और दरवाजे पे भिक्षा के लिए आए हैं, माताम भिक्षाम दही। रुक्मणी देख रही थी, दोनों हाथ जोड़े सामने, बाबा जीवत एहसान ना भूलूंगी कबू, और काव दिन में घर पे आ जाइयो, इतनी भीख डाल दूंगी कि तीन पीढ़ी तो निबट ही ना है। पर बाबा कैसी मेरे ब्याह के नोते, ब्याह को नोतो ए ललित, ते ब्याह के नोते तू दे भाई कि ते बाप भैया देंगे। बाबा जोते ना है, प्लीज साइलेंट, दिस इज माय पर्सनल मैटर। बाबा जोत मत बोलो, कौआ मालूम पड़ गई तो भेद खुल जा रहा है। जो समझ में ना आ रही कि छोरी अपन हो तो अलग दे रही है। बाबा कही मत काउ दे, तुम तो ऐसा बाबा हाथ जोड़ रही है। ललित ते ब्याह को नो तो जावे हो कौन, कि बाबा नो तो जाओ द्वारका, ब्याह को कौन है ब्याह, बाबा कल ठीक कर रही हो मोत ज्यादा भैया भैया पट्ठा है ना कोई, बताओ एक एक कलम लठिया सारे धरे बेटा, मेरे को मजा कहा है बाबा, मुझे विश्वास है पूरा। तो लाल लली चिट्ठी लिख दे, ध्यान रखना चिट्ठी लिखी रुक्मणी ने, तो लिखा क्या है उसमें, बायोडेटा नहीं भेजा, जो आज बायोडेटा मंगाते हैं विवाह में वो नहीं भेजा, भेजा तो क्या भेजा, तुम्हारे बिन और कौन नहीं मेरा, तुम्हारे बिन और कौन नहीं, तुम्हारे बिन और कौन नहीं मेरो, तुम्हारे बिन और कौन नहीं मेरो, शिशुपाली मरना बनियाओ, तुम्हारे
डंडा लग रहा हाथ में, तो जो डंडा लेके चले कहूं डंडा पर है कहूं पांव पर है। भगवान के काम के लिए जा रहे हैं तो जागन जगदीश पंडित जी ने डंडा फेंके चारों लंकुबा डगरे पे, तो सामने तो मुनेश बोले गए वेयर डू यू गोइंग। पंडित जी ने छाती ठोंके कि आई एम गोइंग टू द्वारका। द्वारका के नाम से प्रसन्नता आ गई दिल में। अब चार को से लिखकर पाए सो सोई गए। भगवान ने योग माया से ब्राह्मण को उठवा करके नगर द्वारका में पहुंचा दिया। नगर द्वारका में बोलिए दुर्गे मैया की, भगवान को जब जाकर के चिट्ठी दी है तो कन्हैया ने चार घोड़ा सफेद रंग के जोड़े हैं और आज भगवान कुंदनपुर के लिए चले हैं। कुंदनपुर के लिए चले हैं, मंदिर के पीछे जब भगवान खड़े हुए और पंडित जी चले रुकम के घर को, दरवाजे बैठा रहे हैं। एक लड़की ने कहा बाबा कल ले आया फिर आ गया तू, सब घर ब्याह में लग रहे हो, जब ब्याह है जान दो। पंडित जी ने कही हम ब्याह कई काम से ठाड़ है, काई गाल बजा रही है और देख का रहे लड़की ने मे माओ चिता ही ले। रुकमणी रो रही आंखें त्यासी चल रहे, जो दरवाजे माओ नजर गई और ये बाबा आए गए। इशारा करो पंडित जी ने समझ लिया। अरे सखी अनुमीद आज भगवान मंदिर के पीछे खड़े थे सोता बंधु, और इधर रुक्मिणी को पता चल गया कि बाग में आ गए। सही कही मैया मैं कल ब्याह है कि चली जाऊंगी, तो मेरा मन चाहिए कि आज और मंदिर में पूजा कर आऊं। लली रुक जा, जब ब्याह में चक्कर पर रोए तो भैया बुला लेना पूछ लेने। रुकम बुलाए जरा संग आए कहो का बात है लला रुकम जी लली रुक्मणी बा मंदिर में पूजा कर। बिल्कुल ना भाई मंदिर तो बताओ मो ठाणो मो ना, ना? जरासंध ने की पूजो रोक रहे हो, इतने भयभीत आ गया तुम्हें मालूम ना 17 बार मारो मेरे मथुरा में सेना लगा दे बाग तक। अब भैया भाई मालूम ना कि ना जरासंधु आ गए मेरे नाम के मैं नेकू दिन ना रुके हो। सोता बंधु आज जरासंध के कहने से सब बात हट गई और रुक्मणी तैयार हुई आज मंदिर के जाने के लिए। पूजा की थाली सजाई गई। चलो कहां है रुक्मणी, कही मैया मैं कल ब्याह के चली जाऊंगी तो तू कछु केनी तो ना है। सफेद उद्दन की दार रांध रही है छोरी अकेली। हाँ ए लली बेटा तू कल विदाई की जाई तवई कह दूंगी कि ना मैया तू अपने मन में जिस समझ ले कि मैं तो आज हुई कछु केनी तो ना है। ध्यान रखना आज रुक्मणी को महतारी समझा रही है, पहले की माताएं क्या समझाती थी अब क्या समझा रही हैं। चलो देखिए रुक्मणी की झांकी तुम्हारे सामने है।